गाइज हमारे पास है जिलेट सेविंग फोम के दो कैन, इसमें से एक पुराना है यानी कि यूज्ड है और एक है बिल्कुल नया। यहाँ पे जो पुराने वाला सेविंग फोम है इसे मैं पता नहीं कितने दिनों से यूज कर रहा हूँ बट आज तक ये खाली नहीं हुआ है। सो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार सा एक्सपेरिमेंट इस नए वाले सेविंग फोम से, क्योंकि हम करने वाले हैं इस सेविंग फोम को इस 20 लीटर के कैन में खाली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या ये सेविंग फोम इस पूरे कैन को भर पाएगा या भरने से पहले खाली हो जाएगा? सो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक ताकि ये मजेदार एक्सपेरिमेंट आपसे मिस ना हो। वेल, यहां पे मैं पुराने वाले को करता हूं साइड और ये रहा हमारा नया वाला जिलेट सेविंग फोम जिसे हम कर रहे हैं इसके अंदर खाली। सो गाइस यहाँ पे ये हमारा जाम हो चुका है और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लो गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जा रही है, जब भी मैं इसके अंदर फोम उड़ेल रहा हूँ तो ये स्टक हो जा रहा है यानी कि यहाँ पे जाम हो जा रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस फोम को इस टेबल के ऊपर डालने वाले हैं जो कि और भी मजेदार होने वाला है। सो हम हटाते हैं इस कैन को इधर साइड में और यहाँ पे इस पुराने वाले कैन को भी हम नीचे रख देते हैं, फिर हम खाली करते हैं इसके ऊपर ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। आई थिंक ये खाली हो चुका है। सो हमने जो उम्मीद लगा रखी थी उससे काफ़ी कम था इसके अंदर। मैं आपको यहाँ पे कैन भी दिखा दूँ, इसके अंदर कुछ इतना हमने खाली किया था। सो गाइस ये हाफ केजी का कैन था, 418 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ इतना फोम आता है। जब हम दाढ़ी बना रहे होते हैं, सेविंग कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें लगता है कि इसके अंदर पता ना कितना सारा फोम होगा, बट एग्जैक्टली अगर बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने है कि इसके अंदर कितना फोम था। सो गाइज होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो। सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।